हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल गेसी क्रिएटिव कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर जो ऑनलाइन सिलाई सीखने की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आई होप कि उसमें जितना कुछ भी आपको बताया गया है आपने उस सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी एंड अब आपको मशीन चलाना भी बहुत अच्छे से आ गया होगा और आपको बेसिक जो भी चीज़ें जरूरी थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो आई थिंक कि आप लोगों ने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको वो सब आ गया होगा। तो अब बारी आती है कि हम कपड़े पर कटिंग कैसे करें। सो फ्रेंड्स, देखिए, कपड़ों पे कटिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हमें कपड़े की मेज़रमेंट कैसे ली जाती है वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कपड़ा एक बार जब कट जाता है तो उसके बाद में उसको अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट हो गई, कुछ भी ख़राबी हो गई, तो दोबारा से सही नहीं हो सकता है। सिलाई में तो कोई बात नहीं, अगर आपने सिल भी दिया और वो गड़बड़ हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको खोल सकते हैं, उधेड़ सकते हैं, बट अगर कटिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सही नहीं हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले मेज़रमेंट बहुत अच्छे से लेना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो इसके लिए आज मैंने ये ब्लाउज़ लिया है और इसी ब्लाउज़ की हम मेज़रमेंट आपके साथ में शेयर करेंगे, कैसे हम ब्लाउज़ की नाप लेते हैं और इसी नाप के अकॉर्डिंग पर हम आपके साथ में शेयर करेंगे किस तरह से हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, हम मेज़रमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए, जिस पे आप जो मेज़रमेंट होगा उसको राइट कर लेंगे, और इसके साथ में एक पेन तो बेसिक है, इसको तो लेना ही है, और इसके साथ में हमें एक मेज़रमेंट टेप की ज़रूरत होगी। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम किसी भी ब्लाउज़ की जब मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो देखिए किस तरह से हम उसकी नंबर वाइज सब लिख लेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की नाप सबसे पहले लेनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे लंबाई। लंबाई हमारी ये होती है यहाँ से लेकर के, ये देखिए, ये जो हमारी लंबाई होती है इसकी हम नाप लेंगे। उसके बाद में हमें ये चेस्ट की नाप लेनी होती है, तो इसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे सीना में डाल दिया है। और उसके बाद में ये कमर की नाप, तो कमर की नाप हमें पूरी लेनी होती है, तो इसमें हम कमर लिखेंगे। तो ये देखिए इतना हमारा हो गया, लंबाई हो गई है और इसका चेस्ट हो गया, और इसके साथ में हमने ये कमर की नाप ले ली है। अब इसके बाद में बारी आती है स्लीव्स की। तो देखिए, आस्तीन की हम नाप कहाँ से लेते हैं, आस्तीन की नाप हम यहाँ से लेते हैं, हमारी जितनी लंबाई होती है। तो देखिए नंबर दो पे आता है आस्तीन हमारी आती है, तो इसमें सबसे पहले हमें आस्तीन की लंबाई लेनी होती है और उसके बाद में हम इसकी मोहरी की चौड़ाई लेती हैं। मोहरी क्या होती है, मोहरी जो ये होती है हमारी, ये स्लीव्स की चौड़ाई होती है, इसको हम मोहरी बोलते हैं। तो ये हम आस्तीन की चौड़ाई लेंगे। उसके बाद में हमारा नंबर आता है गले का, तो यहाँ पे हम डाल लेंगे नंबर थर्ड पे गला, और उसमें हमें आगे के गले की नाप और पीछे के गले की नाप, इतने हमें मेज़रमेंट लेने होते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से लिख लिया, लंबाई लिख ली है, सीना कमर लिख लिया है, और उसके बाद में आस्तीन आती है, तो उसके में आस्तीन के हमें लंबाई लिखनी है और मोहरी लिखनी है, और उसके बाद में जब हमारा नेक आता है तो उसमें हमें फ्रंट और बैक नेक दोनों साइड की इसमें लंबाई लिखनी रहती है, मेजरमेंट लिखना रहता है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमें ब्लाउज़ को रखना है, और ब्लाउज़ में जब भी आप नाप लेंगे तो आपका ब्लाउज़ अच्छे से प्रेस होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा सिकुड़न या रिंकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बार बार हमें ब्लाउज़ में खींच खींच के नाप लेने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने सबसे पहले ब्लाउज़ लेना है, उसमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से ब्लाउज़ को रख लिया है और अब हम इसकी नाप लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमें नाप लेनी है, जहाँ पर हमारी कंधियाँ अटैच रहती हैं वहाँ पर हमें इंची टेप रखना, और बराबर से इस तरह से उंगली से रखते हुए पूरा नीचे तक ये ऐसे लेके आएंगे, और हमें कपड़े को इस तरह से खींचना नहीं है, बहुत ही आराम से रखना है। तो देखिए, हम इस तरह से यहाँ से हमने रखा और बराबर से करते हुए, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से हमने रखा और उसके बाद में यहाँ तक आएंगे, तो ये देखिए ये हमारा 14 इंच आ रहा है, तो हम लंबाई के सामने वाले उसमें 14 इंच राइट कर लेंगे। अब दूसरी नंबर आती है चेस्ट की नाप लेने की, तो इसके लिए हम यहाँ से हमने इंच टेप रखा और इस तरह से खींचेंगे नेम ब्लाउज को, तो इस तरह से देखिए हम आराम से रखेंगे और बराबर से उंगली करते हुए लाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 20 इंच आ रहा है, ये देखिए यहाँ तक है 20 इंच आ रहा है। तो हम सीने पे 20 इंच ऐड कर लेंगे, और उसके बाद में कमर की ही आती है बारी, तो कमर के लिए हम इस तरह से करेंगे और इंची टेप को रखा, और कमर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम
आराम से रख के करेंगे। तो ये देखिए हमारा आ रहा है शतरंज, ये कमर शतरंज है ये, तो ये हमने शतरंज लिख लिया है। और देखिए ये हमारी हाफ हाफ मेजरमेंट होती है, क्योंकि जब हम कपड़े की नाप लेते हैं तो हम एक पोर्शन की नाप लेते हैं, और जब हम बॉडी का मेजरमेंट करते हैं तो उसकी मेजरमेंट की जो नंबर आते हैं वो दूसरे आते हैं। तो बॉडी का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में किसी दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। आज की वीडियो में हम कपड़े से ही किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इतना हो गया, हमने यहाँ से लंबाई ले ली है, और ये यहाँ से नीचे टेप यहाँ तक रख के सीने की लंबाई ले ली है, उसके बाद में ये कमर की लंबाई हो गई। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया किस तरह से हम ये ब्लाउज की नाप लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमारी बारी आती है आस्तीन की लंबाई की। तो देखिए हम किस तरह से, जहाँ से हमारी ये आस्तीन ऐड होती है, जुड़ी हुई होती है, वहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। और ये देखिए जहाँ तक हमारा आ रहा है, तो देखिए ये 4 इंच है, तो हम इसमें लंबाई में 4 इंच ऐड करेंगे। और जो मोरी की नाप हमें लेनी है स्लीव्स की, तो उसको देखिए इस तरह से बराबर रखेंगे और एक कॉर्नर से नाप लेंगे और इस तरह से दूसरे वाले कॉर्नर तक मिला देंगे। तो ये देखिए 6.1 आ रहा है, तो हमने इसमें लिख दिया है 6.1 इंच। क्लियर, इतना हो गया। तो देखिए ये आसन की लंबाई होगी और ये मोरी होगी। अब इतना करने के बाद में हम गले पे आते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे, और यहाँ से जहाँ से हमारी ये कंधी जुड़ी हुई है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखिए, तो इस तरह से हमने बराबर पे रख लिया। और यहाँ से नीचे टेप रखेंगे, और ये देखिए यहाँ तक हमने पूरा नाप लिया है, तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो हम गले में बैक नेक में बाद में करेंगे, फ्रंट नेक हमने किया, तो ये हमारा 6 इंच आया है। और अब इसके बाद में हम बैक नेक की मेज़रमेंट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे, और इसको भी मैसेज करेंगे, यहाँ से हमारी कंधी अटैच है वहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। और ये देखिए यहाँ तक हम लाए, तो ये हमारा पूरा 9 इंच आ रहा है, तो इसमें हम 9 इंच ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इतना हमारा आज क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया कि किस तरह से हम कपड़े का मेजरमेंट लेंगे, किस तरह से हम इसकी नाप लेंगे, तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि देखिए लंबाई के लिए हम यहाँ से जहाँ से कंधी हमारी अटैच है वहाँ से हमने नीचे तक नाप लिया, और चेस्ट के लिए हम जहाँ से हमारी ये सिलन है वहाँ से रख के कपड़े को बराबर इस तरह से रख के ही नाप लेंगे, और ये हमने नाप लिया। उसके बाद में कमर की नाप लेनी होती है, कमर की नाप के बाद में हम आस्तीन की लंबाई की नाप लेते हैं, जहाँ से हमारी स्लीव्स अटैच होती है वहाँ से हम नापेंगे। और ये देखिए यहाँ तक हमने पूरा नाप लिया है, तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद में इन दोनों पार्ट्स को हम एकदम अच्छे से बराबर करके ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ से बराबर नापेंगे। तो ये देखिए हमारा जितनी नाप आ रही है वो लिख लेंगे, और आगे का गला और पीछे का गला ये लिख लेंगे। ये देखिए इस तरह से आगे का गला हमने नाप लिया, और इसको इस तरह से रख के पीछे के गले की लंबाई का मेजरमेंट ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया है, और आई थिंक कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। और देखिए ये हमने भी सिर्फ मेजरमेंट लिया है जो हमारा मेन मेजरमेंट है, इसमें हमने भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। मार्जिन में इसमें ऐड कितना करते हैं, कितने इंच बढ़ा के कपड़ा रखते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे हमें कितना मेजरमेंट एक्स्ट्रा लेना है, कितना हमें इसमें मार्जिन रखना है। और तो देखिए फ्रेंड्स इतना हो गया है, और आप भी इसके बाद में आपके पास जो भी ब्लाउज हो वो ले लीजिए, और उसकी तरह से मेजरमेंट लिखिए, और अच्छे से नापना और उसका मेजरमेंट कैसे लिखना रहता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें ऐड करने रहते हैं, तो इतना आप क्लियर करके रखिए। और कपड़े में कटिंग कैसे करते हैं ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और आज आपने अच्छे से मेजरमेंट लेना सीख लिया है, और कटिंग कैसे करते हैं ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।